सब्जी का लेगा। छोटू 3-4 लेके आना और सुन कड़क, ठीक है जाओ। ओके मैम। यार पूजा, कैसे ढाबे पर लेकर आये हो? इस चाय में पत्ती कम शक्कर ज्यादा है। अबे वो छोटू इधर आ। अबे ओए, ये तूने कैसी चाय बनाई है? इसमें थोड़ा भी टेस्ट नहीं है। मैंने अच्छी चाय बनाई है। ले गरीब, तू पी के देख चाय। अबे गरीब, ये मालूम नहीं हम कितने अमीर घर से हैं। ओए गरीब, तूने 2 कौड़ी की चाय पिलाकर हमारा सारा मूड ऑफ कर दिया। साफ किया हुआ और इसकी गलती क्या है? क्या बोल रहे थे आप? क्या किया है इसने? 2 कौड़ी की चाय पिलाकर हमारा सारा मूड खराब कर दिया है। जरा सा बच्चा हमारे सामने जवान चलाएगा? आप इन अनाथ बच्चों को कहाँ से ले आते हो होटल पे काम करने के लिए? इससे बेटर ये होगा कि आप इस गरीब को ना होटल से निकाल के बाहर कर दो, नहीं तो आपका ढाबा ना ये बंद हो जाएगा। हम अमीर लोग यहाँ पे खाना खाने आएंगे और एक गरीब हम अमीरों से बदतमीजी से बात करेंगे? अगर ऐसी गरीब रहे तो हम अमीर लोग ढाबे पर खाना खाने क्यों आएंगे? क्यों बे, ग्राहकों तो इस तरीके से बात करते हैं। और हाँ चल निकल इस ढाबे से। और सुन, आज के बाद इस होटल के आसपास दिखाई मत देना। साहब जी, मुझे इस दुनिया में मेरी कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तेरी कुछ ज्यादा जीवन चली है, चल निकल यहाँ से। देखे आसमान विच तारे किन्ने आ, मैं तारे देख वक्त गुजारे किन्ने आ। भैया 3 टिक्की दे दियो और एक में मिर्च कम कर दियो। ठीक है भैया, अभी देते हैं। अबे गरीब, तुझे होटल से निकाल दिया तो तूने चोरी करनी स्टार्ट कर दी। पता नहीं ये बच्चा क्यों सेम मेरी तरह ही कॉपी कर रहा है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ये भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है। समझ नहीं आता क्या हुआ है इसे। चलकर देखता हूँ इस बच्चे को क्या हुआ। क्यों बेटा, सेम मेरी तरह कॉपी ऐसे क्यों कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बाबूजी भूख लग रही है। चल बेटे डर मत, आ मैं तुझे खाना खिलाऊं।
बेटा खा लिया खाना? ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? बाबूजी मैं ना तुम मेरे साथ बेटी तुम चिंता मत कर, आज से तुम मेरे साथ रहना और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि आपको सब देखते रह जाए। और बेटा सुनो, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, आज से तुम मेरी कंपनी में ही काम करोगे। आज चल बेटा चलते हैं। पूजा, अपनों ने पढ़ाई भी पूरी कर ली है और अब घर वाले भी पैसा देने को मना कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कहीं जॉब मिल जाती तो बहुत अच्छे रहते। हाँ अजय, मेरे पापा भी बोल रहे थे कि बेटा जॉब कर लो, इस तरीके से टाइम बर्बाद करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, मेरे पापा ने एक कंपनी में बात तो कर ली है। अगर हम इंटरव्यू में पास हो गए तो हमारी जॉब लग सकती है। नहीं पूजा, पहले उस मैनेजर से बात तो करो फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी कॉल लगा के देखती हूँ। हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग जी। सर हम इंटरव्यू देना चाहते हैं सर, तो आप किस टाइम इंटरव्यू ले सकते हैं हमारा? सुबह 10 बजे आ जाना। ठीक है सर, ओके। चलो यार, सुबह सर ने 10 बजे का टाइम दिया है और हम नहीं पहुंचे ना तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। चलो हेलो। हाँ नीरज, ऑफिस में मेरे पास आओ। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं आई करूँ सर। कमिंग। नीरज, कंपनी में मजदूर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ सर, कंपनी में मजदूर सही तरीके से काम कर रहे हैं। नीरज, कंपनी में कितने मजदूरों की और ज़रूरत है काम करने के लिए? सर लगभग 10 लोगों की ज़रूरत है, जिससे अपनी कंपनी टॉप नंबर पर आ जाएगी। ठीक है नीरज, ऐसा है, मेरी गुप्ता से बात हो चुकी है, कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, उनका इंटरव्यू अच्छे तरीके से लेना, इंटरव्यू के हिसाब से ही उनकी पोस्ट देनी है। ओके सर, कुछ बच्चों से ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है, मैं उन बच्चों का इंटरव्यू सही तरीके से दे दूँगा। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ ड्राइवर? दादी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर बोनट नहीं खोल रहा है क्या? सर बोनट नहीं खुल रहा। रुको, नहीं खुल रहा है तो मैकेनिक के लिए फोन लगाता हूँ। अबे ओए, ये तेरे बाप का रोड है जो ये गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी कर ली है। हम पहले से ही ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो हमारा इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा और हमें जॉब भी नहीं मिल पाएगी। आप लोग किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो? हम लोग राणा कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप एक बार राणा कंपनी के मैनेजर को फोन लगाओ।
सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि राणा कंपनी के मैनेजर हैं आप। सॉरी क्या, आपने मुझे पहचाना? याद करो आज से 15 साल पहले तुमने एक छोटे बच्चे को होटल में बेइज्जत किया था। मैंने सोचा था कि आप लोग सुधर गए होंगे, लेकिन तुम लोग अब भी नहीं बदले हो, पहले जैसे ही हो। इसी तरह का घमंड तुम लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। रही बात तुम लोगों को हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने की, लेकिन तुम लोगों को हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हेलो गाइस, कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपको हमें डायरेक्टली बात करनी है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और दोस्तों हमारा सेकंड चैनल भी है निरंजन राणा ब्लॉग, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।